नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। नरसिंहपुर में भारतीय जनता पार्टी कार्यालय और गांधी चौराहे पर भारतीय जनता पार्टी की सक्रिय महिलाओं और महिला मंडल की सभी महिलाओं द्वारा गांधी जी की मूर्ति पर माल्यार्पण कर जिले में सक्रिय महिलाओं द्वारा कोरोना काल में और जनहितैषी कार्यों में अपनी सक्रिय भूमिका निभाने वाली महिलाओं को सुषमा स्वराज सम्मान से सम्मानित किया गया। भारतीय जनता पार्टी की सक्रिय महिला कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री शिवराज जी को धन्यवाद प्रेषित करते हुए कहा कि लाडली लक्ष्मी योजना महिलाओं की महत्वाकांक्षी योजना है। इस योजना की सौगात देकर प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज जी महिलाओं के प्रति बहुत नेक काम कर रहे हैं। इस मौके पर पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती संध्या कोठारी, महिला मोर्चा अध्यक्ष निशा सोनी, वरिष्ठ कार्यकर्ता बसंती पालीवाल ने अपने अपने विचार रखे। साथ ही मुख्यमंत्री जी को लाडली बहना योजना के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया है। तो समाज के विभिन्न क्षेत्रों में जो महिलाएं कार्य करती हैं तो उनको यहाँ इसके लिए चयनित किया गया था, उत्कृष्ट कार्य और सुषमा स्वराज। आज भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा के द्वारा पूरे समस्त जिले से 16 महिलाओं को विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली 16 महिलाओं को सुषमा स्वराज अवार्ड से सम्मानित किया गया। साथ ही साथ मुख्यमंत्री जी के द्वारा लाडली बहना योजना चलाई गई है उसके संबंध में मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद ज्ञापित किया गया। इसका हमारा एक जिला स्तरीय बड़ा कार्यक्रम हुआ था और आज समस्त जिले से महिला मोर्चा आई थी और इस कार्यक्रम को संपन्न कराया, जिसमें हमारी पूर्व महिला अध्यक्ष नगर पालिका अध्यक्ष सभी जनपदों से सभी जिला पंचायत से सारे जिला पदाधिकारी हुए थे। हमारे साथ में हमारी सुषमा स्वराज अवार्ड की जिला की प्रभारी आदरणीय बसंती पालिवाल जी हैं, इन्होंने बहुत मेहनत करी और पूरे जिले से 16 महिलाओं के नाम निकाले। तो विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य किया है, उन्होंने जमीनी स्तर पर काम किया है, सिर्फ दिखावे के नहीं, उन्होंने रियल में जो समाज सेवा की है ऐसी 16 महिलाओं को आज हमने सम्मानित किया है। हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को नमन करते हुए आपको बताना चाहूँगी कि हमारे प्रदेश के मुखिया ने सुषमा स्वराज अवार्ड को लेकर हमारी महिलाओं को जो सम्मानित किया है उसको धन्यवाद। और जो हमारी लाडली बहनाओं के लिए हमारे मुख्यमंत्री जी ने योजना दी है, उन ऐसे मुख्यमंत्री को मैं धन्यवाद देना चाहूँगी। और उत्कृष्ट जो नॉन पॉलिटिकल महिलाएँ हैं उन महिलाओं को अवार्ड दिया गया है जो समाज सेवी हैं निचले स्तर तक, जिन्होंने कोरोना काल में बहुत अच्छे से कार्य किया है, उन महिलाओं को आज हमने सम्मानित करके हम अपने आप को धन्य समझ रहे हैं।